तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंतारा मूवी। कंतारा मूवी एक इंडियन ट्रेडिशनल बेस्ड मूवी है जो मुझे काफी पसंद आई। इस मूवी का कॉन्सेप्ट अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट है। इस मूवी में हमें देश के कल्चर के बारे में काफी गहराई से बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी से होती है, जहाँ एक राजा था जिसके पास धन, दौलत, अच्छी प्रजा, बीवी, बच्चे सब कुछ था। लेकिन राजा को फिर भी शांति और सुकून नहीं था। राजा ने शांति पाने के लिए हर कर्म किए, जैसे मंदिर में पूजा करना, गरीबों को खाना खिलाना। राजा देश के हर मंदिर गया, हर तीर्थ यात्रा पे गया, लेकिन उसे फिर भी सुकून और शांति नहीं मिली। तो एक दिन राजा को एक पुजारी ने बताया, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें माँ की तरह प्यार करे और एक बाप की तरह केयर करे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। जो सुनने के बाद राजा जंगल में जाने का फैसला करता है। जंगल में जाने के बाद उसे कोई आवाज आती है, जिसकी तरफ राजा खींचा चला जाता है। और आवाज के करीब पहुंचने पर उसे एक पत्थर दिखाई पड़ता है और उसे एक शांति महसूस होती है। राजा अपना हथियार वहीं समर्पित कर देता है और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिससे उसे बहुत शांति मिलती है। लेकिन तभी वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं। तो फिर राजा उनसे कहता है, मैं आप लोगों का राजा हूँ, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस देवा को मुझे दे दो, आप लोगों को जो चाहिए मैं आप लोगों को दूंगा। तभी गाँव के एक आदमी के शरीर में देवा आते हैं। तभी देवा राजा से कहते हैं, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो उसके बदले तुम्हें गाँव वालों को कुछ देना पड़ेगा, जिसे राजा स्वीकार कर देता है। फिर उस पर देवा कहते हैं कि मेरी आवाज जहाँ तक जाएगी तुम्हें जंगल का उतना जमीन गांव वालों को देना होगा। उसके बाद हमें कहानी 1970 की दिखाई जाती है, जहां शिवा नाम का एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे उसके फादर उस राजा की कहानी सुना रहे थे। फिर वहां से हमें भूताकोला फेस्टिवल दिखाया जाता है। भूताकोला कर्नाटका और नॉर्थन केरला में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है, जहां गांव का एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रिचुअल डांस करते हैं, जिनके शरीर में देवा आते हैं और फिर लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और देवा उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हैं। अब हमें शिवा के फादर को भूताकोला फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। मीन्स की इस गांव में शिवा का परिवार पीढ़ियों से भूताकोला परफॉर्म करता आ रहा है। फेस्टिवल में राजा के आगे की पीढ़ी के लोग भी आए थे, जिस पर देवा राजा की पीढ़ी से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर वो कुछ नहीं मांगता। लेकिन तभी उसका बेटा कहता है, मुझे कुछ मांगना है, जिस पर देवा बोलते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है, ये जमीन मेरी है और ये जमीन मुझे वापस चाहिए। जो सुनकर देवा बोलते हैं, ठीक है, ये जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मैंने जो सुख और शांति तुम्हें और तुम्हारे पीढ़ियों को दी है वो तुम कैसे वापस करोगे। जो सुनकर वो कहता है, मैं ये सब बात नहीं मानता, तुम देव नहीं बल्कि एक मामूली नृतक हो, अगर तुम लोगों ने मुझे मेरी जमीन रिटर्न नहीं करी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। जिस पर देव कहते हैं, तुम्हारा फैसला कोर्ट में जाने से पहले ही हो जाएगा। रही बात मेरे देवा होने की, अगर आज के बाद मैं तुम्हें नजर आ गया तो समझ लेना मैं एक नृतक हूँ। और ये बोलकर देवा वहाँ से मशाल लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं, जिनके पीछे गांव के लोग भी भागते हैं, पर देवा उन्हें कहीं नहीं मिलते। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जो बंदा जमीन मांग रहा था, कोर्ट के सीढ़ियों पर ही खून की उल्टी करके उसकी मौत हो जाती है। वहां से हमें कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां वही गांव में एक मेला लगा था और उस मेला में हर साल अलग अलग तरह की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जिसमें से एक प्रतियोगिता कम्बाला था। भैंसों के रेस को कम्बाला कहा जाता है। उस प्रतियोगिता में गांव के बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। कम्बाला का आयोजन खून से उल्टी करने वाले बंदे के बेटे ने किया था, जो इस समय गांव का सबसे बड़ा जमींदार है, और उसे उस खेल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। रेस खत्म होती है, जिसमें शिवा का फर्स्ट पोजीशन आना चाहिए था, लेकिन जमींदार का एक बंदा जज को पैसे देकर फर्स्ट राइज जमींदार के भैंसों को देता है, जिस पर शिवा और जमींदार के लोगों में झगड़ा हो जाता है। फिर बात जमींदार के पास पहुंचती है, जहां जमींदार शिवा को मेडल देते हुए अपने आदमियों को बुरा भला सुनाता है और शिवा को शराब वगैरह देकर वहां से भेज देता है, क्योंकि शिवा और उसके दोस्त जमींदार का हर छोटा बड़ा काम करते थे, जैसे शिकार वगैरह, जंगल में लकड़ी काटना, जिस पर जमींदार उसे कुछ पैसे दे दिया करता था। और फिर हमें फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को दिखाया जाता है, जिसकी नई पोस्टिंग हुई थी, जो आते ही जंगल में शिकार करने वाले 3 बंदों की बुरी तरह पिटाई कर रहा था। जहां विजिट करने एक सीनियर ऑफिसर आया होता है, जो मुरली को रोकते हुए कहता है, ये एक सेंसिटिव एरिया है, यहां हमें अपनी सावधानी रखते हुए काम करना होगा, यहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें यहां शांति से काम लेना है और लोगों को समझाकर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को सरकार के अंडर में करना है। नेक्स्ट डे मुरली कुछ लोगों को जंगल से लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखता है और वो उन लोगों को रोकते हुए कहता है, आप लोग बिना परमिशन के ऐसे जंगल को काट नहीं सकते, उसके लिए परमिशन लगती है, जिस पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। उस बीच वहाँ शिवा और उसके दोस्त आते हैं, जो ये सब देखकर ऑफिसर से पूछने लगते हैं कि क्या
क्या हो गया है, इन्हें इस तरह क्यों रोका गया है, और यही सब बात लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जिससे शिवा ऑफिसर्स की नजर में चढ़ जाता है। और फिर उसके बाद शिवा और उसके दोस्त जंगल में सुअर का शिकार करने चले जाते हैं, और फिर वो सुअर का शिकार करने के बाद पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद शिवा सो जाता है, जहाँ उसे सपना आता है जिसमें उसे एक जंगली सुअर मुकुट पहनकर दिखता है जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है, और उसके बाद शिवा की आंख खुल जाती है। ऐसे सपने शिवा को अक्सर आया करते थे, और शिवा उस सपनों से हमेशा डर जाता था। वहां से हमें जमींदार देवेंद्र को दिखाया जाता है, जो इंस्पेक्टर मुरली को अपने घर पर बुलाया था, जहाँ जमींदार मुरली को इनडायरेक्टली रिश्वत देने की बात कर रहा था ताकि वो अपने सारे इलीगल काम कर सके, जिस पर इंस्पेक्टर मुरली मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। वहां से जाने के बाद मुरली सीनियर ऑफिसर को फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्री के बारे में बताने लगता है, और जल्द से जल्द फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्री के अंदर इलीगल हाउसेस वगैरह को हटाने की बात करता है। उसके बाद हमें कोला फेस्टिवल दिखाया जाता है, जहाँ गाँव के लोग कोला यात्रा लेकर जा रहे थे और जाते जाते पटाखे फोड़ रहे थे, जो सुनकर मुरली अपने जूनियर से गाड़ी निकाल कर वहाँ चलने कहता है। दूसरी तरफ हमें लीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके गांव रिटर्न आई थी, जिसे शिवा बचपन से प्यार करता था, जिसे देखकर शिवा पूरी तरह खो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर मुरली पहुँचता है, जो गाँव के लोगों से पटाखे फोड़ने मना करता है और उनका पटाखा भी छीन लेता है, जो देख शिवा मुरली से पटाखे रिटर्न लेते हुए झगड़ने लगता है, जिसे देख गाँव के लोग झगड़ा छुड़ाते हुए इंस्पेक्टर मुरली को वहाँ से रिटर्न भेज देते हैं। और फिर उसके बाद शिवा का भाई गुरवा कोला परफॉर्म करने लगता है, जिसे पूरा गांव सेलिब्रेट करता है। एक्चुअल में कोला शिवा को परफॉर्म करना था, लेकिन उसकी बदमाशी और बुरी आदतों के कारण उसके भाई गुरवा को उसकी फैमिली की तरफ से कोला परफॉर्म करना पड़ता है। शिवा की माँ भी उसकी हरकतों से परेशान रहती थी। मॉर्निंग में हमेशा की तरह शिवा को बुरे सपने से जगते हुए दिखाया जाता है। तभी बाहर लीला के फादर अपनी बेटी को लेकर शिवा के पास आते हैं, ताकि शिवा जमींदार देवेंद्र से लीला की इसी गांव में जॉब लगाने की सिफारिश करे। नौकरी के पहले दिन शिवा लीला को बाइक पर बैठा कर उसके ऑफिस छोड़ने जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर मुरली फौजे ही लीला को उसके गांव लाकर फॉरेस्ट बाउंड्री डिक्लेयर करने बोलता है, और बाउंड्री के अंदर जितने घर वगैरह हैं सबको तोड़ने का ऑर्डर देता है। शिवा को इस बात का पता चलता है और वो वहाँ आकर ऑफिसर्स से लड़ने लगता है, जिस पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसे वहीं बांध कर वार्निंग देकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जमींदार देवेंद्र सारे गांव को इकट्ठा करके उनकी जमीन के कागजात लाने कहता है, ताकि वो उन लोगों की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। उस बीच गांव का एक आदमी जमींदार के घर में एंटर करने की कोशिश करता है, जिसे देख जमींदार का आदमी उसे मारते हुए घर के बाहर भगा देता है, जिसे देख शिवा जमींदार के आदमी को बहुत मारता है, जो देख जमींदार उन लोगों का झगड़ा छुड़ा देता है। जमींदार के आदमी का ऐसा करने का कारण था कि वो लोग छुआछूत की प्रथा को फॉलो करते थे। फिर जमींदार देवेंद्र शिवा को अपने साथ जंगल में अपनी माशुका से चला जाता है। जंगल में जाने के बाद कुछ देर में शिवा को कुछ अजीब आवाजें आने लगती है, जिससे शिवा डर कर जमींदार को वहीं छोड़ भाग जाता है, और मॉर्निंग में इस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर मुरली फिर से बाउंड्री फेंसिंग करने आया है, जिस पर शिवा और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो इंस्पेक्टर मुरली की रेपुटेशन खराब करेंगे और उसकी पोस्टिंग कहीं और करा देंगे। इसलिए उन लोगों ने जंगल में इनलीगल पेड़ काटना और शिकार करना शुरू कर दिया था, और इस कारण इंस्पेक्टर मुरली ने भी जंगल में नाकाबंदी बढ़ा दी थी। तो एक दिन शिवा और उसके फ्रेंड एक बड़ा सा पेड़ काट रहे होते हैं, जिसकी खबर सुधाकर इंस्पेक्टर मुरली को दे देता है और उन्हें उस जगह ले जाने लगता है। इंस्पेक्टर मुरली वहां आ रहा है, इसका पता शिवा और उसके दोस्तों को लग जाता है, इसलिए वो लोग पेड़ को पूरा काटे बिना वहाँ से दूर चले जाते हैं। बट गलती से पेड़ गिरने लगता है और जाकर इंस्पेक्टर मुरली की जीप पर गिर जाता है, जिस पर शिवा और उसके दोस्तों को ऐसा लगता है कि जीप में बैठे लोग मर गए, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये मामला ठंडा होने तक वो लोग गांव में नहीं जाएंगे और जंगल में ही छुपे रहेंगे। बट नेक्स्ट डे उन लोगों को पता चलता है कि लकीली उस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई थी, फिर भी फॉरेस्ट काटने और ऑफिसर्स पर जानलेवा हमला करने की वजह से उन लोगों पर केस दर्ज हो गया है, इसलिए वो लोग गांव नहीं जा सकते, उन्हें जंगल में ही रहना होगा। जंगल में रहने के बाद एक दिन शिवा चुपके से लीला से मिलने चला जाता है, और लीला के घर डिनर करने के बाद उसे कैलाश पर बुलाता है। कैलाश पेड़ पर बने घर को कहा जाता है, जहां लीला उसे रात में मिलती है। सुबह होने पर कैलाश के नीचे इंस्पेक्टर मुरली आ जाता है और शिवा को अरेस्ट कर लेता है और लीला को बहुत बुरा भला सुनाता है, जिस वजह से शिवा लीला को वहां से घर भेज देता है। उसके बाद हमें गुरुवा को मंदिर से पूजा करके घर लौटते हुए दिखाया जाता है, जिसे जमींदार देवेंद्र देख गुरुवा को अपनी गाड़ी में बैठने बोलता है। गुरुवा जमींदार के साथ बैठ जाता है और जमींदार उसे अपने साथ जमीन दिखाने ले जाता है, उसके साथ डील करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुवा उसे मना कर देता है। रात में हमें पता चलता है
कि ग्रुआ का किसी ने मर्डर कर दिया था, उसकी बॉडी जीप में लाकर मंदिर के बाहर फेंक गया था। उसी समय शिवा को जेल में ग्रुआ का बुरा सपना आता है और वो नींद से चौंक कर उठ जाता है। मॉर्निंग में लीला और शिवा की माँ शिवा से मिलने आते हैं और शिवा को ग्रुआ के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जो सुनकर शिवा एकदम टूट जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली को पता चलता है कि जमींदार देवेंद्र सुतुर ने गाँव के लोगों के साथ चीटिंग करके सारी जमीन अपने नाम कर लिया है। जमींदार को भी पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर मुरली को जमीन हड़पने वाली बात पता चल गई है, इसलिए जमींदार डिसाइड करता है कि शिवा की बेल करवाकर वो ग्रुआ का मर्डर का इंजाम इंस्पेक्टर मुरली पर लगा देगा। अगले सीन में हमें शिवा और उसके दोस्तों को बेल पर जेल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जहां जमींदार शिवा को मिलने बुलाता है और उनको खाना और शराब ऑफर करते हुए शिवा से कहता है कि ग्रुआ का मर्डर इंस्पेक्टर मुरली ने किया था ताकि वो अपने भड़ास तुमसे निकाल सके और कोला होने से रोक सके। जो सुन शिवा का खून खौल उठता है और वो इंस्पेक्टर मुरली को मारने की कसम खाता है और वहां से इंस्पेक्टर मुरली को जान से मारने निकल जाता है, जिसका पीछा जमींदार के लोग भी करते हैं ताकि वो लोग शिवा को इंस्पेक्टर मुरली का मर्डर करते हुए देख सके और जमींदार को इस बात की खबर दे। शिवा गांव के लोहार की शॉप पर जाकर हथियार धार करने लगता है, तभी लोहार चाचा उसे बताते हैं कि मैंने ग्रुआ और जमींदार को गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन जमींदार वापस अकेला आया। बाद में पता चला ग्रुआ का मर्डर हो गया है और उसकी लाश किसी ने मंदिर के सामने फेंक दिया था। लोहार चाचा को ये बात बोलते जमींदार के आदमी सुन लेते हैं और वो लोग मास्क पहनकर शिवा पे हमला करते हैं। शिवा और उनमें काफी लड़ाई होती है। उसी बीच शिवा एक आदमी का मास्क हटाता है और उसे पता चलता है ये जमींदार देवेंद्र के बंदे हैं। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि ग्रुआ का मर्डर जमींदार ने जमीन पाने के लिए किया है। शिवा जमींदार देवेंद्र के घर जाकर जमींदार को इनडायरेक्टली वार्निंग देकर चला आता है। उसके बाद जब शिवा गाँव पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि गाँव के लोगों को भी पता चल गया है कि जमींदार देवेंद्र ने उनके साथ चीटिंग करके गाँव वालों की सारी जमीन उनके नाम करा लिया है और गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि वो जमींदार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और सारे गांव वाले देवेंद्र के घर की ओर चल पड़ते हैं। जमींदार देवेंद्र को भी पता चल जाता है शिवा और गांव वालों को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो लोग इस पर हमला करने वाले हैं, जिस पर जमींदार भी अपने आदमियों को रेडी कर गांव वालों की तरफ बढ़ जाता है। जमींदार और गांव वालों का सामना होने पर घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसमें काफी सारे गांव वाले और जमींदार के आदमी मारे जाते हैं। शिवा को भी जमींदार का एक आदमी गला दबाकर जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद शिवा की बॉडी में गुली का देवा आते हैं, जो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है और ऋषभ शेट्टी ने क्या आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है, जो हमें बिना देखे फील नहीं कर सकते। इट्स अमेजिंग। और मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवा कोला परफॉर्म कर रहा होता है और अचानक से वो जंगल की तरफ देखने लगता है और अपने फादर की तरह ही वो जंगल में भाग जाता है और से अचानक डिसअपीयर हो जाता है। आई थिंक कि शिवा पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन देवा ने उसे उसकी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए दूसरा जीवन देते हैं ताकि कोला हमेशा कंटिन्यू रहे। होप यू लाइक अवर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।